अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। 5501 किनाल का ये घर है, इसका कवर्ड एरिया 5500 स्क्वायर फिट है, इसकी डिमांड 450 लाख है। आज इसका इंटीरियर प्लान आपके साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। मैं तमाम डायमेंशन इसकी आपके साथ आज शेयर करूँगा, आप डायमेंशन भी चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द विजिट फ्रॉम कारपोर्ट। ये कारपोर्ट में हम एंटर हो गए। कारपोर्ट का सीलिंग का डिज़ाइन, ये फ्रंट की दीवार है, उस पर इंटीरियर हुआ हुआ है, एक आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है। इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रंट लॉन है, ये फ्रंट लॉन आप देख सकते हैं। ये कारपोर्ट्स का सीलिंग मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ, और ये सामने पेंटिंग हुई हुई है और उसमें आयत लिखी हुई है। ये मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की, फ्लोरिंग की टाइलिंग आप देखते हैं, मेन एंट्रेंस पे अलग है, और ये इसका सीलिंग, उसमें फानूस दिया हुआ है स्टेयर हॉल में। ये स्टेयर फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, और स्टेयर्स के नीचे प्लांट्स पड़े हुए हैं, और इंटीरियर हुआ है, इसके नीचे पाउडर रूम भी है स्टेयर के नीचे। ये इसका मेन एंट्रेंस है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल स्टेयर हॉल के सामने ड्राइंग रूम का डोर है। तो ड्राइंग रूम में हम एंटर होते हैं, वुडन टाइल इसकी सीलिंग ड्राइंग रूम की, आगे चलते हैं। तो ड्राइंग रूम के बाद टीवी लाउंज आता है, टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के दरमियान वुड वर्क इंटीरियर हुआ है, उसी में फायरप्लेस भी दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं। वाइट टाइल विद ब्लैक बॉर्डर टीवी लाउंज, कर्टन्स वॉल में वॉलपेपर दिया हुआ है। इसका सीलिंग टीवी लाउंज का वाइट एंड ब्लैक कंट्रास्ट में, और सामने एलईडी पॉइंट टीवी लाउंज में दिया हुआ है। अगर टीवी लाउंज में बिल्कुल सामने देखूं, ओपन किचन है, ओपन किचन को देख लेते हैं, इसको क्लोज करके मैं दिखा देता हूं आपको। ऑल एसेसरीज ऑफ किचन इसमें दी हुई है, फ्रिज, ओवन, वॉशिंग एरिया, ये देखें, ये जहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, ये किचन कैबिनेट, वुडन टाइल, और ये फ्रिज और ओवन में आपको बता रहा था, इसमें ऑल एसेसरीज ऑफ किचन दी हुई है, ये सामने आप देख सकते हैं। और किचन का सीलिंग, ग्राउंड फ्लोर में ये सामने लॉबी है और दो बेडरूम्स हैं। ये लॉबी के हिस्से में आप देख सकते हैं कि जो टाइल है वो डिफरेंट है, ब्लैक कलर की, और ये स्टे लॉबी में मैं आ गया। इससे आगे ग्राउंड फ्लोर में टू बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम में आगे वाइट टाइल है इसमें भी, और जो बॉर्डर है इसका ब्लैक है, विंडो और इसमें कर्टन्स दिए हुए हैं, सीलिंग, वॉल पेपर। इसमें एक बात भूल गया, फ्रंट लॉन 13.9 इंच का है, साइड स्पेस 5 फुट, दोनों तरफ से साइड स्पेस हैं 5 फुट 9 इंच की, और इसी तरह जो बैक पे स्पेस है वो है 7 फिट एंड 4.5 इंच। इसके साथ अटैच वॉशरूम है, दूसरे बेडरूम में चलते हैं, दूसरे बेडरूम में आगे वॉलपेपर, यहाँ पे सामने जहाँ पे आप वॉल पेपर लगा था वहाँ पे आप बेड सेट कर सकते हैं। ये इधर इस तरफ एलईडी पॉइंट, विंडो, साइड ओपन स्पेस में फॉर द वेंटिलेशन पर्पस, और ये वार्डरोब है इसमें। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उसका इंटीरियर प्लान आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर स्टेयर, आगे जब फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर हॉल है, स्टेयर लॉबी भी जिसे आप कहते हैं, ये मेन एंट्रेंस, और ये स्टेयर लॉबी में इंटीरियर हुआ हुआ है, ये उसी में स्टेयर हॉल का सीलिंग का डिज़ाइन, और ये विंडो सामने, और इससे सामने आपको फ्रंट टेरेस नज़र आ सकता है। आगे चलते हैं जी, फर्स्ट फ्लोर की मेन एंड से एंटर हुए हम, एंटर होते ही टीवी लाउंज आता है,
टीवी लाउंज का सीलिंग, सामने एलईडी पॉइंट आप देख सकते हैं, और ये लॉबी है और इसके दोनों तरफ बेडरूम्स दिए हुए हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम टीवी लाउंज के सामने जो किचन है उसको देख लेते हैं। ये भी ओपन किचन है, वुड वर्क हुआ है, वुडन टाइल, किचन कैबिनेट, फ्रंट विंडो। ये फ्रंट विंडो से बाहर बालकनी छोटी सी है, स्लाइडिंग विंडो है, इससे बाहर आप बालकनी पे जा सकते हैं। और इसका सीलिंग, आगे चलते हैं। स्टेयर के साथ बिल्कुल बेडरूम है, एक शेयर हॉल के साथ ही। ये आगे जो वॉलपेपर, उस पर मिरर दिया हुआ, इंटीरियर हुआ हुआ है, इसका सीलिंग, साइड विंडो, वार्डरोब, और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। इससे आगे एलईडी पॉइंट और अटैच वॉशरूम। आगे चलते हैं जी, ये लॉबी आ गई। इससे आगे जाए तो लेफ्ट साइड पे ये सीलिंग का, लॉबी का डिज़ाइन, और ये स्टोर है। लेफ्ट पे भी एक बेडरूम है और राइट पे भी एक बेडरूम है। लेफ्ट वाले बेडरूम में आगे वॉलपेपर, एलईडी पॉइंट सामने आपको नज़र आ रहा है, सीलिंग, और इसके साथ ड्रेस और अटैच बात दोनों है। ये ड्रेस है, ड्रेस अलग है इसमें, और बाथरूम अलग है। ये है वॉशरूम का एरिया, इसमें भी जो कमोड है वो अलग है और शावर एरिया अलग है। ड्रेस, वॉशरूम और शावर तीनों अलग अलग हमने दिए हुए थे उस वॉशरूम में। ये तीसरे बेडरूम में आगे जो कि फर्स्ट फ्लोर का तीसरा बेडरूम है, देख सकते हैं आप, कर्टन, सीलिंग, एलईडी पॉइंट, और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।